बड़वानी में किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े संगठनों के किसानों के बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में सम्मेलन 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर होगा। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय से जुड़े देश भर के 300 से अधिक संगठनों में शामिल नर्मदा बचाओ आंदोलन ने शहर के अर्जुन कारज भवन में केंद्र सरकार द्वारा लाए कानून के विरोध में बैठक का आयोजन किया। इसमें नर्मदा पट्टी के किसानों के साथ ही किसान संघर्ष समन्वय समिति जबलपुर और गुना के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी 3 कानून पारित किए, वे संसद में पूरी बहस के बिना किसान संगठनों से चर्चा विचार न करते हुए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश के किसानों पर थोपे गए हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए किसानों ने बताया कि बिजली विधेयक 2020 द्वारा अब बिजली की किसानों को दी जा रही सब्सिडी रद्द करना चाहते हैं और पूरे निजीकरण से इस क्षेत्र को भी बड़े उद्योगपति के हाथ सौंपना चाहते हैं। किसानों को इससे 10 रुपए यूनिट तक बिजली देंगे, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन नीतियों के विरोध में 26 नवंबर को रामलीला मैदान पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश भर के किसान संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। एकजुट होकर नहीं खाए तो सबको निकल जाएगी ये मछली। ये हमको राम नारायण पुरारिया। कहाँ से आए आप? प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान। किस बात को लेकर बैठक की जा रही है? आज का जो ये सम्मेलन हो रहा है, पूरे देश में 300 किसान संगठन जो है इनके द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। अब मुख्य मांग ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिना जनता से चर्चा किए, बिना संसदीय समिति में बातचीत किए किसान विरोधी 3 कानून जो बना दिए गए हैं, जिससे हमारे देश की खेती और किसान बर्बाद हो जाएगा। मंडी कानून में ने संशोधन कर दिया, जिससे खुले तौर पर किसानों को समर्थन मूल्य पर मंडी नहीं होती। खेती के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी जैसे देसी और विदेशी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए इन लोगों ने खेती में ठेका प्रथा शुरू कर दी और हमारे देश में बड़ी कंपनियों को मुनाफाखोरी जमाखोरी करने के लिए अतिवश्यक अधिनियम कानून जो 1955 था उसमें तब्दीली कर दी। और अगर ये कानून नहीं बदले जाते हैं तो हमारे देश की खेती चौपट हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। इस सवाल को लेकर के पूरे देश में किसानों के सम्मेलन हो रहे हैं। 26 तारीख को हमारे देश की जो मेहनत का सवाल मजदूर तबका जो है उनके द्वारा बैंक का है, LIC का है, सुरक्षा संस्थान के है, रेलवे छोड़ के पूरे देश के औद्योगिक मजदूर हड़ताल पे जाएंगे। उनके समर्थन में किसान ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। वायरस आता है मिर्ची पर, सोयाबीन पर, तो कभी भी लाखों रुपए के गांव बीमा का प्रीमियम भरते हुए भी हजारों रुपया भी वापस नहीं। अभी कहां कहां से लोग आए? आज जबलपुर से जो किसान सभा के अखिल भारतीय पदाधिकारी आए हैं वो राम नारायण पुरारिया जी, और गुना से जो आए हैं वो है अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव जी, और हमारे पार्टी के बहने भाइयों ने अपनी बात रखी है नगराध्यक्ष लक्ष्मण चौहान के साथ। यहाँ के सभी किसान नेता मजदूर नेत्रियाँ भी आज उपस्थित हैं और हम लोग ये 3 कानूनों की वापसी के साथ साथ बिजली बिल की वापसी मांगते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 20,000 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता पैदा होते हुए भी अणु ऊर्जा परियोजना ला रही है, बरगी बांध से विस्थापितों को फिर से विस्थापित करने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश की जरूरत है 8 से ज़्यादा 10,000 मेगावाट की, और वो बिजली आज भी सस्ते दाम पर जितनी भी मिलती है वो बिजली बिल का कानून में रूपांतर होगा तो निश्चित रूप से किसानों को व्यापारियों के रेट से मिलेगी, जिनमें बहुत सारी गैर बराबरी है, किसान सिंचाई नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हर प्रकार से आज किसान जो पीड़ित है वो 26 नवंबर को संविधान दिवस पर चलो दिल्ली के नारे के साथ साथ गली से दिल्ली तक अलग अलग प्रकार से आंदोलन करेंगे। और देश को तो जगा चुके हैं और पंजाब, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ तक कानून बन चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो नहीं देगा उसको जेल और जुर्माना होगा। हम चाहते हैं वैसा ही कानून राष्ट्रीय स्तर पर और हर राज्य में आ जाए। मध्य प्रदेश ने आज तक वो कानून नहीं लाया है और संपूर्ण कर्ज मुक्ति हमें एक बार चाहिए, नहीं तो आत्महत्याएं नहीं रुक सकती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।